नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टीआरएस टेक्नीशियन का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, वे क्या काम करते हैं और उनकी सैलरी कहां से स्टार्ट होती है। आपने कभी ना कभी टीआरडी और टीआरएस का नाम सुना होगा, तो इसमें आप ज़रूर कंफ्यूज हो गए होंगे कि टीआरडी और टीआरएस शायद एक ही है, लेकिन एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो हम लोग ये भी जानेंगे कि टीआरडी और टीआरएस में क्या अंतर है, इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए हम लोग टीआरएस टेक्नीशियन के जॉब प्रोफाइल जानते हैं। रेलवे में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत यह टीआरएस आता है और इस टीआरएस में जो टेक्नीशियन काम करते हैं उनको टीआरएस टेक्नीशियन कहा जाता है। टीआरएस टेक्नीशियन के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आइए हम लोग जानते हैं। टेक्नीशियन टीआरएस के क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो मैट्रिक प्लस आईटीआई उन्हें होनी चाहिए। यहाँ पर आईटीआई एनसीबीटी या एससीबीटी दोनों में से कोई भी हो तो यहाँ पर मान्य है। उसके अलावा कौन कौन सा आईटीआई ट्रेड होना चाहिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक एसटी, एलटी इक्विपमेंट्स एंड केबल ज्वाइंटिंग या फिटर, वेल्डर या पेंटर जनरल या मशीनिस्ट या कारपेंटर। ये सब आईटीआई ट्रेड में से कोई भी आईटीआई ट्रेड आपने किया है तो आप टेक्नीशियन टीआरएस बन सकते हैं। टीआरएस का मतलब होता है ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक, यानी ट्रैक्शन से चलने वाली गाड़ियां का यहाँ पर मरम्मत किया जाता है या ओवरहॉलिंग किया जाता है। ट्रैक्शन से चलने वाली यानी विद्युत से चलने वाली गाड़ियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं, तो इलेक्ट्रिक लोको आप देखते होंगे वह ट्रैक्शन से चलती है। तो इस प्रकार से रेलवे में जो भी ट्रैक्शन या विद्युत से चलने वाली गाड़ियाँ हैं उसका यहाँ पर मरम्मत किया जाता है। अब जस्ट हम लोग समझ लेते हैं कि टीआरएस और टीआरडी में क्या अंतर है। टीआरएस का मतलब आपने समझ लिया, टीआरडी का मतलब होता है ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रैक के ऊपर जो तार लगे होते हैं, ओएचई लगे होते हैं, वो सब का ओवरहॉलिंग टीआरडी के स्टाफ ही करते हैं। अगर कोई कहेगा टीआरडी तो आप लोग समझ जाइएगा कि जो ट्रैक के ऊपर ओएचई है, जो ट्रैक है उसके ऊपर जो ओएचई है, वह ओएचई का मेंटेनेंस करना, रख रखाव करना, उसकी समय समय पर उसकी जाँच परख करते रहना, वो सब टीआरडी के अंतर्गत आता है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि टीआरएस और टीआरडी में क्या अंतर है। अब हम लोग जानते हैं कि टीआरएस में जो टेक्नीशियन हैं उनकी क्या कार्य होते हैं। जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक लोको है, जब ओवरहॉलिंग के लिए इलेक्ट्रिक लोको शेड में आता है तो उसका जो ओवरहॉलिंग है वह टेक्नीशियन और हेल्पर करते हैं। तो यहाँ पर टेक्नीशियन का यही काम है कि उस इलेक्ट्रिक लोको में जो भी मरम्मत करना है या ओवरहॉलिंग करना है वो सब देखना। यहाँ पर टेक्नीशियन की ड्यूटी शिफ्ट वाइज भी होती है और जनरल ड्यूटी भी होती है। जनरल मतलब है सुबह से शाम 5 बजे तक, और नाइट ड्यूटी भी होती है। तो ये तीनों प्रकार से यहाँ पर इनकी ड्यूटी यहाँ पर लगती है। यहाँ पर दोस्तों कुछ लोग पूछेंगे कि टीआरएस और टीआरडी में कौन सा जॉब अच्छा रहेगा, तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा टीआरएस का जॉब यहाँ पर बेटर है। अब दोस्तों आगे हम लोग जान लेते हैं कि टीआरएस में जो टेक्नीशियन होते हैं उनकी सैलरी क्या होती होगी, कितने से स्टार्ट होती होगी। तो यहाँ पर टीआरएस में जो भी टेक्नीशियन आते हैं उनकी सैलरी 30 से 35 हज़ार के बीच में स्टार्ट होती है। जैसे कैलकुलेट आपके सामने हम कर देते हैं, तो यहाँ पर बेसिक उनका 19,900 होगा, उस पर डीए 46% जोड़ लीजिए, उसके बाद एचआरए मिनिमम 9% यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा, वो सिटी वाइज है, एक्स वाई जेड सिटी के अनुसार है, 9%, 18%, 27%, इस प्रकार से यहाँ पर एचआरए मिलता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1200 रुपये मिलेंगे, सब जोड़ करके 30,000 से लेकर 35,000 के बीच में हो रहे हैं, तो यहाँ से इनकी सैलरी स्टार्ट होती है। इसके अलावा अगर इनकी नाइट ड्यूटी लगती है तो नाइट ड्यूटी का अलग से उसमें पैसा ऐड हो जाएगा। इसके अलावा उनकी ड्यूटी यदि कहीं और अगर जाते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं, तो उस उनको टीए मिलेगा, तो पर डे का 500 रुपये, तो जितना टीए रहेगा उतना उनको यहाँ पर
इंक्रीज हो जाएगा। तो फिलहाल जो बेसिक सैलरी है वही मैंने आप लोगों को बताया है, इसके अलावा जो नाइट ड्यूटी है और ट्रेवलिंग अलाउंस है वह एग्जैक्ट नहीं रहता है कि कितना उनको मिल जाएगा। यह डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे हैं और कौन से सेक्शन में आप काम कर रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आज की वीडियो में आप लोगों को बताए हैं कि TRS टेक्नीशियन का जॉब प्रोफाइल क्या होता है और सैलरी क्या होता है। इसके अलावा और भी कुछ माने बातें आप लोगों को बताए हैं, जैसे TRS और TRD में क्या अंतर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एक लाइक तो बनता है आपके तरफ से। और भी कोई क्वायरी हो इससे संबंधित तो आप लोग नीचे लिखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।